हेलो एवरीवन टुडे आई विल डिस्क्राइब द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत सिंपल एक नोशन है एक डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर सम्स भी हैं थ्योरी बहुत कम है बेसिकली लॉजिक में इसके सम्स आते हैं so the doctrine of square of opposition originated with aristotle, who was a greek philosopher. in the 14th century, b.c., and he is also famous for logic, traditional logic, the square of opposition is a diagram that was introduced within categorical logic to represent the logical relationships होल्डिंग बिटवीन कैटागोरिकल प्रपोजिशंस तो स्क्वायर प्रपोजिशन को एक स्क्वायर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी और उस डायग्राम के थ्रू ये पता चलता है कि ए ई आई ओ जो हमारी कैटागोरिकल प्रपोजिशंस हैं उनके बीच कैसा रिलेशन है या उनके बीच किस टाइप की आ, लॉजिकल रिलेशन पाए जाते हैं द रिलेशल प्रपोजिशन ऑफ अपोजिशन बेसिकली उनके बीच जो रिलेशन पाए जाते हैं वो अपोजिट रिलेशन होते हैं इसलिए इस डायग्राम को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का नाम दिया गया है दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप देख सकते हैं कि स्क्वायर डायग्राम uh, है और जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब हम अच्छे तरीके से अपोजिशन वर्ड को क्लियर कर पाएंगे कि कैसे हम अपोजिशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस डायग्राम देयर आर फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो भी ये बताती हैं कि ए ई आई ओ कैटागोरिकल जो चार प्रपोजिशन हैं उनके बीच चार टाइप के रिलेशन हैं बट पर्टिकुलर प्रपोजिशन के लिए हैं हर प्रपोजिशन के लिए हर रिलेशन अप्लाई नहीं होता तो फर्स्ट इज कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप इसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत संबंध सेकेंड इज सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप हिंदी इज उप विपरीत संबंध थर्ड इज कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप व्याघाती संबंध एंड फोर्थ इज सब ऑल्टरनेशन रिलेशनशिप उपासित संबंध आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हमारी चार प्रपोजिशंस हैं ए ई आई एंड ओ एंड वी कैन सी इजली एंड क्लियर बिटवीन ए एंड ई देर इज अ कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप ए और ई e के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है दोनों तरफ से ए का कॉन्ट्रेरी ई है और ई का कॉन्ट्रेरी ए है सिमिलरली बिटवीन आई एंड ओ देयर इज सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप आई का सब कॉन्ट्रेरी ओ है एंड द सब कॉन्ट्रेरी ऑफ ओ इज आई

जो कॉन्ट्रडिक्ट्री रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही हैं सो बिटवीन ए एंड ओ देर इज कॉन्ट्राडिक्ट्री रिलेशनशिप एंड ई एंड आई देयर इज कॉन्ट्रोडिक्ट्री रिलेशनशिप तो ये रिलेशनशिप पर्टिकुलर है ये इनको बदला नहीं जा सकता हम ये नहीं कह सकते कि ए और आई के बीच कॉन्ट्रोडिक्टी रिलेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा तो ये फिक्स रिलेशनशिप है जो आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले इनके नाम याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए कि किस प्रपोजिशन के बीच कौन सा रिलेशन है फर्स्ट कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप क्या होता है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया ए एंड ई प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस कैन नाट बी ट्रू टूगेदर इट मीन्स ए एंड ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते ना फॉर एग्जाम्पल ए प्रपोजिशन All cats are rat eaters, cannot be true at the same time as the corresponding e-proposition. No cats are rat eaters. हम एक ही टाइम पे इन दोनों प्रपोजिशन को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रपोजिशन कह रही है कि all cats are red eaters और दूसरी उसी को कॉन्ट्रेडिक कर रही है नो कैट्स आर ईटर्स तो या तो ए प्रपोजिशन ट्रू होगी या तो ई प्रोपोजिशन ट्रू होगी बोथ कैन नॉट बी ट्रू वन पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बोथ कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टूगेदर वो एक साथ फॉल्स हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड नो स्टूडेंट इंटेलिजेंट ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि बात ना ऑल की हो रही है ना किसी की भी एम टी क्लास की हो रही है हो सकता है सम की हो रही हो सो so, ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं बट कॉन्ट्रोडिक्शन की वजह से ये दोनों एक साथ

और फिर हम ई e को कंपेयर कर रहे हैं कि नो गर्ल नो गर्ल इज ब्यूटिफुल हम दो अलग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की प्रपोजिशंस नहीं ले सकते कॉरस्पॉन्डिंग प्रपोजिशन सेम होनी चाहिए हर रिलेशन में इट्स नॉट अबाउट ओनली कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल फोर रिलेशनशिप सो सो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप

क्योंकि हमें पता नहीं कि वो एग्जैक्टली exactly क्या है फॉल्स है या ट्रू है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों है ट्रू भी हो सकती है एंड फॉल्स भी हो सकती है दैट्स वाई इट इज अनडिटरमाइंड नाउ इफ ई इज ट्रू देन ए इज फॉल्स ये भी अभी हम ए से ई e की तरफ चल रहे थे कि इफ ए ए इज ट्रू देन ई इज फॉल्स इफ ए इज फॉल्स देन ई इज अनडिटरमाइंड अब हम ई e से ए की तरफ चलते हैं इफ ई इज ट्रू देन ए इज फॉल्स एंड ई इज फॉल्स देन ए इज अनडिटरमाइंड ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं नाउ सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप अगर आपको कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप समझ में आ गया है तो सब कॉन्ट्रेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि इसकी कंडीशन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है वो ये कि सब कॉन्ट्रारी होता है आई एंड ओ के बीच आई एंड ओ प्रपोजिशंस आर सब कॉन्ट्रारी सब कॉन्ट्रारी प्रपोजिशंस कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रारी की कंडीशन थी कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर इसकी कंडीशन है कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर एन आई प्रोपोजिशन सम बुक्स आर फ्री कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम एज दॉरस्पॉन्डिंग ओ प्रपोजिशन सम बुक्स आर नॉट फ्री हम एक ही टाइम पे ये दो सेंटेंस ये दो प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते एक कह रहे हैं हम सम बुक्स आर फ्री फिर हम कह रहे हैं सम बुक्स आर नॉट फ्री क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक कर रहा है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर अगर मैं आपको लैंग्वेज के थ्रू समझाऊं तो जैसे एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में दो पर्सन खड़े हैं या गार्ड हैं वो आपसे कह रहे हैं सम बुक्स आर फ्री और दूसरा गार्ड कह रहा है सम बुक्स आर नॉट फ्री तो डेफिनेटली आप कहेंगे ये दोनों गलत तो नहीं हो सकते कोई कोई तो होगा जो गलत होगा कोई एक होगा जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है सो so उसी तरह आई एंड ओ कैन नॉट बी फॉल्स टूगैदर

सॉरी आई इज ट्रू देन ओ क्योंकि ट्रू है तो ये ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारी उसकी कोई कंडीशन नहीं है हाँ हमारी कंडीशन इसकी है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते तो अगर एक फॉल्स है तो दूसरा अपने आप ट्रू होगा इफ आई इज फॉल्स देन ओ विल बी ट्रू सिमिलरली इफ ओ इज ट्रू देन आई इज अनडिटरमाइंड ओ इज फॉल्स देन आई इज ट्रू क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते नाउ कॉन्ट्रीडिक्ट्री रिलेशनशिप थर्ड इज कॉन्ट्रीडिक्ट्री रिलेशनशिप कॉन्ट्रीडिक्टी बहुत आसान रिलेशनशिप है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये रिलेशन होता है ए एंड एज वेल एज ई एंड आई ये रही ए एंड ओ ई एंड आई इसमें क्या होता है इनका कॉन्ट्रेडिक्ट्री रिलेशनशिप है कॉन्ट्रेडिक्ट्री रिलेशनशिप मीन्स इन कॉन्ट्रेडिक्ट्री रिलेशनशिप इफ वन प्रपोजिशन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डायरेक्ट रिलेशन है कि एक ट्रू होगी तो दूसरी वाली फॉल्स होगी अगर एक फॉल्स होगी तो दूसरी वाली ट्रू होगी दिस इज अ कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ए प्रोपोजिशन ऑल आर इंटेलिजेंट इट इज ट्रू अगर ये ट्रू है कि ऑल प्रपोजिशंस आर सॉरी ऑल प्रोफेसर्स आर इंटेलिजेंट देन ओप कि समर्स आर नॉट इंटेलिजेंट इट मस्ट बी फॉल्स क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सबको ऑल को काउंट कर लिया तो फिर हम यहां सम को कैसे निगेट कर सकते हैं यहां पे ऑल अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है सो इफ ए इज ट्रू देन ओ इज फॉल्स सिमिलरली इफ ए इज फॉल्स कि ऑल प्रोफेसर आर नॉट सॉरी ऑल प्रोफेसर आर इंटेलिजेंट अगर ये फॉल्स है कि कोई भी प्रोफेसर सॉरी सा, सारे प्रोफेसर इंटेलिजेंट हैं तो ओ ट्रू होगी तो इस तरह से हम फॉल्स एंड ट्रू को जस्टिफाई करते हैं यही सेम प्रपोजिशन रिलेशन कॉन्ट्रोडिक्टी रिलेशन ई एंड ओ आई के बीच भी होता है सो इफ ई इज ट्रू देन आई False. No example here. No passengers are Indian is false. Then the proposition some passenger are Indian must be true. So in short, contradictory relationship or propositions cannot be true together. एंड ऑल्सो कैन नॉट बी फॉल्स टूगेदर ये फिक्स है कि तीन रिलेशनशिप हम लोग कर चुके हैं कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप सब कॉन्ट्ररी एंड कॉन्ट्रडिक्ट्री आई होप आपको समझ में आए होंगे था फोर्थ रिलेशन है सबऑल्टन रिलेशनशिप ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे आज के लिए ये तीन रिलेशनशिप मैंने आपको समझाए हैं इस वीडियो में इतना ही थैंक यू